क्या आप जानते हैं कि काफी सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स में दारू सर्व होती है, और ऐसा नहीं है कि आप अपना बिल भरते जाएंगे और पैक के पैक आपको सर्व होते जाएंगे। दरअसल दारू की कैपेसिटी जो हमें जमीन पर लगती है उससे कहीं कम हवा में होती है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लाइट एक प्रेशराइज्ड कैबिन होता है और वहां पर अल्कोहल हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। इसीलिए एयर हॉस्टेसेस DDD नाम का एक सीक्रेट फॉर्मूला फॉलो करती है, यानी कि जब भी कोई पैसेंजर उनसे अल्कोहल मांगता है तो वो थोड़ा सा डिले करती है, दो चार बार मांगने के बाद में ही आपको अल्कोहल सर्व करेंगी। दूसरा डी स्टैंड करता है डाइल्यूट के लिए, यानी कि अगर कोई जैसे 60 ml की दारू मांगता है तो उसको 60 ml नहीं बल्कि 30 ml ही दारू मिलती है और साथ में काफी सारा पानी मिला दिया जाता है। और इसी के साथ में अगर फिर भी पैसेंजर लगातार दारू मांगता रहे तो तीसरा डी स्टैंड करता है डिनाई के लिए, यानी इस बार एयर हॉस्टेस आपको आकर के सच में मुंह पर मना कर देगी कि सॉरी सर, हम आपको और दारू नहीं दे पाएंगे। तो आपको अगर ये जानकारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।